हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंजीनियरिंग ड्राइंग या टेक्निकल ड्राइंग की कॉमन क्लास में। तो कैसे हो बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चल रही होगी, है कि नहीं। तो जैसा कि आपको बताया कि एग्ज़ाम्स आ ही जाएंगे, तो उसके लिए तैयारियाँ अपनी अच्छे से कर ली होंगी। उन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपनी क्लास लेकर के आए हैं। तो बच्चों, आज की इस क्लास का जो टॉपिक है वो हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस। मैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस की थ्योरी को आज की क्लास में ही कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि आपने हमारी पिछली क्लासेस में, सबसे पहले अभी लास्ट क्लासेस में स्केल्स को पढ़ा था, तो उसमें हमने स्केल्स की थ्योरी को पढ़ लिया था, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, तो उसमें हमने स्केल्स की थ्योरी को पढ़ लिया था। फिर हमने स्केल्स की ड्राइंग को शीट पर करके देख लिया, राइट। तो वैसे ही आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस की थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग इनके ड्राइंग को करके देख लेंगे। क्या पॉइंट को बोलते हैं बच्चों? बिंदु। तो बिंदुओं व रेखाओं का प्रक्षेप, याद रखिएगा इसको प्रक्षेप कहते हैं, संक्षेप नहीं कहते, ठीक है बच्चों। तो इसको कहते हैं प्रक्षेप। तो बात देखिए, एक नया टॉपिक भी शुरू हुआ है आप लोगों का आज, बिल्कुल नया टॉपिक, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। हम लोगों ने अपने सबसे पहले बेसिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जाने थे, फिर लेटर्स, फिर डायमेंशंस, फिर लाइंस वगैरह को पढ़ते पढ़ते स्केल्स को कंप्लीट स्टडी किया, लेकिन प्रोजेक्शन को अभी तक स्टडी नहीं किया है। तो बस बच्चों, इसी क्रम में आज हम लोग प्रोजेक्शन भी शुरू करने वाले हैं। लेकिन प्रोजेक्शन, अभी जो प्रोजेक्शन है वो ऑर्थोग्राफिक है, वैसे ऑर्थोग्राफिक ही, लेकिन जो मेनली ऑर्थोग्राफिक का क्वेश्चन होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, उससे मतलब उसका फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद, अब बिल्कुल शुरू करने से पहले देखिए, दो सेक्शन बटे यहाँ पर, एक बटा है हमारा पॉइंट्स और एक बटी है हमारी लाइंस। तो पहले हम लोग पूरे पॉइंट्स को ख़त्म करेंगे और फिर हम ख़त्म करेंगे अपनी लाइंस को, क्योंकि लाइंस वाला हमारा बहुत बड़ा सेक्शन है, वो अकेला लगभग आधे घंटे के आसपास खा जाएगा और पॉइंट्स हमारा 15-20 मिनट के अंदर अंदर हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर, तो देखिए वर्ड है हमारा प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के लिए सबसे पहले मुझे आप बताइए, जो आपने छोटी क्लासेस लाइक 8th या 9th के आसपास जो क्लासेस पढ़ी हैं, उन क्लासेस में एक्सिस या फिर क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ाए? किसके बारे में पढ़ाए बच्चों? चतुर्थांशों के बारे में पढ़ाए, पढ़ाए ना कभी ऐसे करके चतुर्थांश। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड। तो क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा होगा या फिर चतुर्थांश के बारे में पढ़ा होगा। तो जरा मुझे ये बताइए कि ये जो चतुर्थांश या क्वाड्रेंट्स होते हैं, बनते कैसे हैं? किसी को पता है? जल्दी से बताओ बच्चों, किसको पता है कि ये चतुर्थांश या क्वाड्रेंट्स एक्चुअली बनते कैसे हैं? तो अगर किसी बच्चे को, ईमानदारी की बात एकदम, पहले से आंसर पता था, वो जाओ तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, मैं, मेरे को देखो पहले से आंसर पता था, बाकी अब तो मैं क्लियर कर ही दूंगा। बेसिकली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन्स में दर्शाने लगते हैं, प्लेन्स का मतलब जानते हो, तल, समतल, तो उन प्लेन्स, दो प्रकार के प्लेन्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि क्षैतिज तल, HP, और एक होते हैं हमारे पास वर्टिकल प्लेन्स, यानी कि ऊर्ध्वाधर तल, यानी कि BP। क्या होते हैं बच्चों? एक होते हैं HP, इनको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज तल, और एक होते हैं BP, इनको कहा जाता है वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल। तो जब हमारे क्षैतिज तल की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्षैतिज, जो ऐसा प्लेन जो क्षैतिज रखा जाता है उसको क्षैतिज तल कहेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे। एक ऐसा प्लेन जो वर्टिकली रखा जाता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, तो उसको हम ऊर्ध्वाधर तल कहेंगे या फिर अपना वर्टिकल प्लेन कहेंगे।
उम्मीद है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट मेरा गेन हो रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जरा सा भी डाउट हो तुरंत आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज या कॉल करके कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा HP और BP, तो बेसिकली जो हमारे दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट की जब हमको डायमेंशन मार्क, आप अगर ग्राफ भी बनाते हो तब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से दूरी ली जाती है तब किसी पॉइंट को डिनोट किया जाता है, राइट ना। तो वैसे ही सेम कहानी प्लेन्स की है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें उसका रिप्रेजेंटेशन या प्रोजेक्शन करना होगा तो बेसिकली उसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों से ही दूरी का पता लगाना आवश्यक होता है। मतलब पता होना चाहिए कि वो वर्टिकल प्लेन के रेफरेंस में कहाँ हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेफरेंस में कहाँ हैं। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। लाइक मान लीजिए ये ऐसे करके, ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। गेट इट ना, तुरंत के तुरंत नोट करते चलना सारी की सारी बातों को बच्चों। अब अगर आप देखें तो कोई भी चीज़ लाइक हो, चाहे तो पॉइंट हो या लाइन हो या कुछ और चीज़ है, लेकिन फिलहाल बात हम पॉइंट और लाइन की कर रहे हैं, तो चाहे तो वो पॉइंट हो चाहे वो लाइन हो, अगर HP के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो HP के रेस्पेक्ट में वो चीज़ जो है या तो HP किसको कहा है हमने, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इस पूरी लाइन को HP ही कहा जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा HP है, पूरा मतलब यहाँ से पूरा जितना हिस्सा है वो पूरा HP का है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइन के इधर वाले को HP बोलें या लाइन के इधर वाले को HP बोलें, इस पूरे को ही HP बोलेंगे यहाँ से लेके वहाँ तक को। बोलें तो चीज़ें जैसे पॉइंट या लाइन्स हुई वो HP के रेस्पेक्ट में या तो ऊपर रखा जा सकता है या फिर नीचे रखा जा सकता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक इस पूरे सेक्शन में कहीं भी अगर कोई पॉइंट या लाइन होती है तो उसको HP के नीचे बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? HP के नीचे। और अगर यहाँ से यहाँ तक कहीं भी मतलब कहीं भी पूरे सेक्शन में अगर कोई भी पॉइंट या लाइन होती है तो उसको HP के रेस्पेक्ट में ऊपर या नीचे, ऊपर बोला जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कोई भी पॉइंट या लाइन एक बार में या तो HP के ऊपर हो सकता है या फिर HP के नीचे हो सकता है। मतलब HP से एक ही बार में ऊपर और नीचे दोनों नहीं हो सकता, बिकॉज प्लेन्स के आर पार थोड़ी ना। अच्छा मैं आपको क्लियर कर दूँ, प्लेन मैं कुछ देख रहा हूँ किसी प्लेन का आपको डिस्क्रिप्शन देने के लिए। लाइक मान लीजिए कि ये हाँ, प्लेन इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके। तो अब क्या आप अगर सोचो कि ये HP है हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो आप इस HP और HP के ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो HP के ऊपर है, यहाँ पर है तो HP के नीचे है। आप अगर ये चाहो HP के ऊपर नीचे दोनों रख दो तो फिर तो छेद करना पड़ेगा, छेद थोड़ी ना कर सकते हैं प्लेन में। इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हो सकता है वो HP के या तो नीचे हो सकता है या फिर HP के ऊपर हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों में नहीं हो सकता। और ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट HP के नीचे है या HP के ऊपर है, लाइक पॉइंट या लाइन, ठीक है। अब अगर बात करें BP के रेस्पेक्ट में, तो भैया BP के रेस्पेक्ट में पॉइंट या लाइन या तो BP के सामने हो सकती है, मतलब ये है BP, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये पूरा BP है, तो BP के ये वाला हिस्सा या यहाँ से यहाँ तक का पूरा हिस्सा BP के सामने कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा हिस्सा BP के पीछे वाला हिस्सा कहलाएगा। मीन्स बिहाइंड द BP और इन फ्रंट ऑफ BP, मतलब इसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ BP, इसको बोलेंगे बिहाइंड द BP। गॉट इट? मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो HP के ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, और BP के सामने हो सकता है या पीछे हो सकता है। यहाँ तक की बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब मान लीजिए कि हमने ये पॉइंट ए रखा है, तो ये वाला पॉइंट ए जो है वो BP और HP के दोनों तरीके से इसकी पोजीशन को मार्क करना है। तो कैसे मार्क करेंगे? देखिएगा बच्चों, ए की पोजीशन, पॉइंट ए जो है, तो ए की पोजीशन को जब हम मार्क करेंगे तो क्या पोजीशन आएगी ए की? देखिएगा, अब मैंने बोला कि HP और BP दोनों से पता होना चाहिए, तो HP के, मैंने बोला था ये पूरा हिस्सा HP के ऊपर है, तो HP के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ पर है? तो HP के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट HP से ऊपर हो गया। कितने ऊपर, कहाँ हो गया? ऊपर हो गया। कितने ऊपर है? अभी दूरी के बारे में मैंने नहीं लिखा है,
तो एचपी के ऊपर हो गया। और बीपी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें इस पॉइंट ए की, तो ये कहाँ है, ये बीपी के बच्चों कहाँ हो गया, बीपी के हो गया सामने। तो क्या हो गया, बीपी के सामने। आई बात समझ में, जो पॉइंट ए है वो आपका एचपी से ऊपर हो गया और बीपी के सामने हो गया। अब अगर मान लीजिए कि मैं ये वाला पॉइंट बी मार्क कर दूं, तो इस बी की पोजीशन कैसे निकालेंगे आप, तो मान लीजिए कि आपको इस बी की पोजीशन निकाल के दिखाओ बच्चों जल्दी से मुझे तुरंत एकदम। पोजीशन का मतलब रहता है एचपी और बीपी के रेस्पेक्ट में बताना कि पॉइंट कहाँ है या लाइन कहाँ है। चूंकि हम पहले पॉइंट पढ़ेंगे इसीलिए पॉइंट बी का जल्दी से बता दो कि ये एचपी और बीपी के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या होगी, बताइए जल्दी से एकदम। देखिएगा बिल्कुल जल्दी से आंसर लिख दो बच्चों एकदम से, कमेंट सेक्शन में जाके आंसर लिख दीजिए। तो बी जो है ये आपका एचपी से नीचे है और बीपी के सामने है। तो मतलब इस बार क्या हो गया, इस बार बीपी के तो सामने ही रहा है लेकिन एचपी के हो गया है नीचे, एचपी के नीचे और बीपी के सामने। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहला काम आपको बच्चों इसकी पोजीशन मार्किंग का सिखाना था, वो हमने सिखा दिया। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लाइक मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होता सी, तो ये क्या होता, ये हो जाता बच्चों इसका क्या हो जाएगा, एचपी के ऊपर और बीपी के पीछे। लाइक मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट होता डी, तो ये हो जाता हमारे पास एचपी के नीचे और बीपी के पीछे। बात समझ में आ रही है ना, आ रही है तो नोट कर लो तुरंत से एकदम। और बच्चों क्लास को लाइक कर दो अगर क्लास अच्छा लग रहा है आपको तो, और आप अपने ही अपने जैसे साथियों यानी कि फर्स्ट ईयर के सभी ब्रांचों के स्टूडेंट्स के साथ इन क्लासेस को शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लासेस फर्स्ट ईयर के सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं, जिसमें से कि ईडी और टीडी दोनों ही सब्जेक्ट्स में चलता है ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईडी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, टीडी वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ईडी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। तो बच्चों इसके बाद हम लोग सीखेंगे पॉइंट्स का सीधा सीधा प्रोजेक्शन करना। हमने सबसे पहले अभी सिर्फ इसकी पोजीशन मार्क करनी सीखी है, और अब मैं आपको सिखाऊंगा पॉइंट्स का प्रोजेक्शन करना। बड़े पोजीशन तो मार्क करनी आपने सीख ली, तो अब जल्दी से साथ ही साथ हम लोग पॉइंट्स का प्रोजेक्शन भी सीख लेते हैं। तो देखिए प्रोजेक्शन में क्या करना है, प्रोजेक्शन में कुछ नहीं करना, जो बेसिकली प्रोजेक्शन में होता है तो उसमें एक देखिए पोजीशन में एचपी और बीपी दोनों होते हैं, और प्रोजेक्शन में एचपी और बीपी दोनों एक ही जगह आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ये हमारा बीपी है और ये हमारा एचपी है। जब हम प्रोजेक्शन करेंगे तो इस एचपी को तो ऐसे रहने देंगे, इस बीपी को ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाती है हमारी रेफरेंस लाइन। तो जब हम प्रोजेक्शन करते हैं तो वो इस रेफरेंस लाइन को खींच करके करते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, जो एचपी के ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा, लेकिन जो बीपी के सामने था वो इस लाइन के नीचे आ गया और जो बीपी के पीछे था वो इस लाइन के ऊपर हो गया। लॉजिकल बात है कि नहीं, बताओ गलत तो नहीं कह रहे। तो बस वही हम बताना चाह रहे हैं बच्चों कि जो प्रोजेक्शन करते हैं वो हम एक रेफरेंस लाइन पर करते हैं। जल्दी से कुछ पॉइंट्स का प्रोजेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ साथ जल्दी समझ जाओगे, इसलिए सीधा एग्जाम्पल को ही लेकर के चल रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। देखिएगा पॉइंट ए एचपी से 20 mm, पॉइंट ए जो है वो एचपी से 20 mm ऊपर है तथा बीपी से 15 mm सामने है। ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का एक क्वेश्चन नहीं आता, ये हमेशा ग्रुप में चलते हैं। मतलब अगर आपके एग्जाम में आया, जो कि काफ़ी ज़्यादा चांस हैं इसके आने के, तो कम से कम 7-5-7 क्वेश्चन आएंगे,
और उन सबको आपको प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे के सारे मैक्सिमम टाइप समझा दूँ, फिर हम अपने लाइन्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है यहाँ पर वो ये रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो HP के ऊपर नीचे होता है, BP के आगे पीछे या सामने पीछे होता है। गॉट इट? यहाँ तक बात समझ में आई आपको? उम्मीद है कि यहाँ तक का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये सीखना है कि हमको जो इसका यहाँ पर ये एक पॉइंट है, इसका प्रोजेक्शन करना है। क्या करना है इसका? इसका प्रोजेक्शन करना है। प्रोजेक्शन कीजिए, ये लीजिए क्वेश्चन भी मिल गया, प्रोजेक्शन कीजिए। तो इस प्रोजेक्शन को हम इस रेफरेंस लाइन के ऊपर नीचे ही कर सकते हैं। ये हमने रेफरेंस लाइन खींच ली है, इसको रेफरेंस लाइन को HP और BP दोनों कहा जाता है। मैंने अभी समझाया आपको, ये है HP, ये है BP, ऐसे करके हमने BP को HP पर लपेट दिया तो ये बन गई रेफरेंस लाइन HP और BP। गॉट इट? तो अब देखो यहाँ पर दो व्यू ड्रॉ होते हैं। कौन कौन से व्यू ड्रॉ होते हैं? यहाँ पर बच्चों सिर्फ दो व्यू ड्रॉ होते हैं और उन व्यूज़ के नाम हैं, एक होता है फ्रंट व्यू और एक होता है टॉप व्यू। क्या होता है बच्चों? एक होता है फ्रंट व्यू और एक होता है टॉप व्यू। हिंदी में इसको कहते हैं फ्रंट व्यू को सम्मुख दृश्य। क्या कहते हैं भैया? सम्मुख दृश्य। और इसको टॉप व्यू को कहते हैं बच्चों पार्श्व दृश्य। समटाइम्स इसको प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। और फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी कहा जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। मैं उम्मीद है कि आपको पूरी की पूरी कहानी हमारी समझ में आ रही होगी कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बीपी से यहाँ पर से लिखने रह गया था, इसको भी लिख देते हैं। बीपी से 15 mm सामने। तो दो व्यू ड्रॉ करने हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, और वो दोनों के दोनों व्यू जो हैं वो इस लाइन के ऊपर या नीचे या इस लाइन में ही कहीं ड्रॉ किए जाएंगे। दोनों ऊपर हो सकते हैं, दोनों नीचे हो सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे हो सकता है, लाइन में हो सकता है कोई सा, या दोनों भी लाइन में हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको। बस ड्रॉ करने से मतलब है, जो मैं रूल समझाऊंगा वो आपको रूल याद रखने हैं, ठीक है। देखिएगा, ये जो फ्रंट व्यू है ये डिपेंड करता है आपका HP से दी गई दूरी पर। लर्न करना है इसको, लर्न जो मैं ट्रिक समझाने जा रहा हूँ बच्चों शायद ही किसी बुक में लिखी हुई मिलेगी भैया, तो इसलिए लर्न करना है कि जो फ्रंट व्यू है वो डिपेंड करता है HP से दी गई दूरी पर, और जो टॉप व्यू है वो डिपेंड करता है BP से दी गई दूरी पर। जैसे कि यहाँ पर HP से दी गई दूरी है 20 mm और BP से दी गई दूरी है 15 mm। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि फ्रंट व्यू इज डिपेंडिंग अपॉन HP एंड टॉप व्यू डिपेंड्स अपॉन BP। गॉट इट? ये लाइन लिख लो भैया। देखो नोट्स बनाते चलो, वैसे मैं आपको नोट्स दूंगा चिंता मत करो, लेकिन आप लोग भी नोट्स बनाते चलोगे तो फायदा है, इसमें आप ही का फायदा है, मेरा नहीं, ठीक है। तो नोट्स बनाते चलिए। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो फ्रंट व्यू है वो डिपेंड कर रहा है HP पर, और जो टॉप व्यू है वो डिपेंड कर रहा है किस पर बच्चों? वो डिपेंड कर रहा है हमारा BP पर। तो अब मैं आपको चार रूल समझाऊंगा, और ये चार के चार रूल जो हैं वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में भी काम आएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में भी काम आएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में भी काम आएंगे। इसलिए अच्छे से समझना है, एक ही बार में समझ के चलना है, समय है कम और टॉपिक है ज़्यादा, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा, जो हमारे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के लिए और लाइंस के लिए और सॉलिड्स के लिए जो रूल है, सबसे पहला जो तो आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो HP के ऊपर हो सकता है या फिर HP के नीचे हो सकता है। कहाँ हो सकता है? HP के ऊपर हो सकता है या HP के नीचे हो सकता है। अगर हम BP के रेस्पेक्ट में बात करें तो BP के सामने हो सकता है या फिर BP के पीछे हो सकता है। ये वाली तो चार बातें बता दी। आप कह रहे हो अरे सर बार बार ये सुनाए जा रहे हो, बेटा ये जरूरी है तभी तो सुना रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना सुना रहे हैं, ठीक है। तो HP के ऊपर हो सकता है या HP के नीचे, BP के ऊपर हो सकता है या BP के पीछे। अभी अभी आपको बताया
कि एचपी पर डिपेंड करता है फ्रंट व्यू और बीपी पर डिपेंड करता है टॉप व्यू। तो एचपी के ऊपर होने पर एचपी पर डिपेंड करने वाला व्यू फ्रंट व्यू वो ऊपर बनेगा। किसके ऊपर बनेगा बच्चों? याद रखिएगा, इस एक्सिस लाइन की बात कर रहा हूँ, ऊपर बनेगा। किसके ऊपर बनेगा? इस एक्सिस लाइन के ऊपर बनेगा। आफ्टर दैट एचपी के नीचे होने पर जो फ्रंट व्यू है वो नीचे बनेगा। किसके नीचे बनेगा? वो बनेगा बेटा इस रेफरेंस लाइन के नीचे। वैसे ही बीपी के सामने होने पर जो टॉप, देखो अगर सोचा जाए तो ये बीपी के सामने था ऑब्जेक्ट, ये खिसक के शू इस लाइन के नीचे आ गया। इसीलिए बीपी के सामने होने पर टॉप व्यू नीचे बनेगा, और किसके नीचे? इस रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। और बीपी के पीछे होने पर, देखिए पीछे था तो ये ऊपर रुक जाएगा, तो बीपी के पीछे होने पर टॉप व्यू कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। ये आपको चार लाइन भैया लर्न कर लेनी है अभी तुरंत एकदम, तुरंत से नोट करो और तुरंत से इनको लर्न कर लो, क्योंकि दीज लाइन्स आर दोज लाइन्स हु विल रियली 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 हेल्प यू आउट टू डू प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स, प्लेन्स एंड ऑल द अदर थिंग्स लाइक सॉलिड्स। तो आपको अच्छे से ये जो पॉइंट्स मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ वो आपको बहुत ही ज़्यादा सॉलिड तरीके से लर्न कर लेने हैं, ठीक है बेटा? ओके देन बच्चों, चलिए फिर अब आगे की तरफ को बढ़ते हैं और अब हम अपने इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। और मैं आपको पहले से बता दूं कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में फ्रंट व्यू भी पॉइंट बनता है, नोट कर लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में फ्रंट व्यू भी पॉइंट बनता है और टॉप व्यू भी पॉइंट ही बनता है, क्योंकि पॉइंट को तो कहीं से भी देख लो वो पॉइंट ही लगेगा, चाहे यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, कहीं से भी देख लो तो पॉइंट ही लगने वाला है। इसीलिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में फ्रंट व्यू भी पॉइंट बनता है एंड टॉप व्यू भी पॉइंट बनता है। तो अब अपने रूल्स को फॉलो करते हुए जल्दी से प्रोजेक्शन कर लेते हैं ताकि समय बर्बादी ना हो बिल्कुल भी। तो इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे पॉइंट ए एचपी से 20 mm ऊपर है। ओके भैया, एचपी वाली पोजीशन वो क्लियर है, तो एचपी के ऊपर है, देखिएगा एचपी के ऊपर है, एचपी के ऊपर है, फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा। कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा। अब बात आती है कितनी ऊपर, तो भैया जितना ये लिखा हुआ है ना 20 mm इतनी ऊपर बनेगा। तो जल्दी से आंखें बंद कीजिए आंखें बंद नहीं करनी, मजाक कर रहा हूँ, जल्दी से बस ड्रॉ कर दीजिए कौन सा वाला व्यू, फ्रंट व्यू, क्योंकि एचपी पर डिपेंड करता है फ्रंट व्यू और एचपी से दूरी है 20 mm, एचपी के ऊपर है तो कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। कितना ऊपर? 20 mm। तो भैया लीजिए और 20 mm डिस्टेंस ले करके और पॉइंट बना दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ए ए डैश, और ब्रैकेट में फ्रंट व्यू भी लिख दीजिए। ये हमारा फ्रंट व्यू तैयार है भैया। फ्रंट व्यू को थोड़ा डार्क, मतलब पॉइंट को थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं, एकदम काला काला, ये लीजिए ऐसे ही बनाना है एग्जैक्टली। फ्रंट व्यू तैयार हो गया, फिर से सुन लीजिए, फ्रंट व्यू कहाँ बनना था? एचपी के ऊपर था तो ऊपर बनना था रूल्स के अकॉर्डिंग। अब कितना ऊपर? 20 mm। अब आती है बात बीपी की, तो बीपी के कितना, बीपी के हमारे 15 mm सामने है। ओके बेटा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं, बीपी के सामने ये रहा, तो बीपी के सामने होने पर कौन सा व्यू? टॉप व्यू। कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। किसके नीचे भैया? इस लाइन के नीचे। कितना नीचे? डिस्टेंस दिया होगा ये रहा, 15 mm नीचे बनेगा। कितना बनेगा? 15 mm नीचे। तो बस बिना किसी दिक्कत के यहीं से, देखिएगा इस यहाँ इस रेफरेंस लाइन का मैटर करता है सब कुछ, इससे कोई मतलब नहीं है, इस रेफरेंस लाइन से 15 mm नीचे। ध्यान से सुनना ये वाली बात कि इस रेफरेंस लाइन से 15 mm नीचे बनेगा। तो इस रेफरेंस लाइन से 15 mm नीचे आइए और पॉइंट बना दीजिए। पॉइंट को थोड़ा डार्क कर देंगे भैया, लिख देंगे ए और लिख देंगे टॉप व्यू, और डिस्टेंस मार्क करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसा कभी ना करें कि डिस्टेंस मार्क ना करें, ये क्वेश्चन का पार्ट है। लिख दीजिए 15 mm। हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तभी तो मैंने कहा था कि ये अकेला क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये हमेशा सेट में आएंगे, कम से कम 4-5 क्वेश्चन एक साथ आएंगे, सेट में आएंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स वाला बेसिक टॉपिक क्लियर हो गया है, और बाकी का हमारे अगली क्लास में मैं कम से कम 20 तो नहीं कह सकते, लेकिन 10 या 15 क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के ड्राइंग पर बना करके दिखाऊंगा। और देखना, ये चुटकियों में मुश्किल से 5-10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं वो, ठीक है। और आप मेरे साथ रियल टाइम में क्या करो बच्चों, जैसे मैंने स्केल कराया था, आप लोग रियल टाइम में, मतलब जिस देखिए मैं बिल्कुल लाइव करता हूँ आपके सामने, बिल्कुल भी समय बिल्कुल गवाए बिना, तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी उस टाइम में रियल टाइम में मेरे साथ करके देखा करो ना, तभी तो समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया करे तो तुरंत मेरा नंबर दिख रहा है, मैसेज डाल दो, कॉल कर दो, वीडियो रोक दो, मैसेज डाल दो, कॉल कर दो, समझ में आई बात नहीं। तुरंत आपको किसी भी समय हर समस्या का समाधान करूंगा, रोहित आरव मेरा नाम है बच्चों, बिना किसी दिक्कत के। लेकिन आपको भी बदले में थोड़ी सी तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना बेटा, अगर आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाओगे फिर मुझसे ये उम्मीद करो, तब तो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। चलिए अब पॉइंट्स वाले क्वेश्चन को मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, अब हम लाइंस को शुरू कर लेते हैं, वरना फिर हमारा टाइम बहुत निकल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंट्स और लाइंस दोनों एक ही क्लास में निपटा दें हम, इसी थ्योरी जो है पॉइंट्स की और लाइंस की दोनों एक ही क्लास में निपटा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है कि नहीं। तो पॉइंट्स के बाकी क्वेश्चन, मतलब जैसे ये क्वेश्चन कराया वैसे ही सारे के सारे होने, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट का इसकी भी कुछ डिस्टेंस लिख देंगे कि HP से जो है 10 mm ऊपर हो गया और BP से जो है 10 mm पीछे हो गया, तो इसका जो पॉइंट व्यू बनेगा वो HP से ऊपर है तो ऊपर बनेगा, BP के सामने है तो भी ऊपर बनेगा, ठीक है। तो इसके दोनों व्यू एक ही जगह बनेंगे अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो। तो इस तरीके से कल को बिल्कुल प्रॉपरली ड्राइंग शीट पर और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मैं करके दिखाऊंगा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस को सीख लेते हैं। अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में कोई भी डाउट रह गया है तो पहले तो क्लास को दोबारा देख लीजिए, और फिर भी अगर समझ नहीं आएगा तो आपके पास मेरा नंबर है ऑल द टाइम्स 24 आवर्स 24x7 आपकी सेवा में तत्पर, रोहित आरव गुरुजी, कभी भी किसी भी समय आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लासेस अगर अच्छी लग रही है तो क्लासेस को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लासेस को लाइक कीजिए, क्योंकि जैसा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, जाओ आप पूरा YouTube छान मारो, अगर इस टाइप से पढ़ाने वाले टीचर आपको मिले तो आप वहाँ से पढ़ लेना बेझिझक। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे पास बच्चे एक बार आए, तो बच्चे अगर आएंगे तो वो फिर जाएंगे नहीं, ये बात गारंटी है हमारी, लेकिन पढ़ने आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने और बाकी दोस्तों को भी बताइए कि रोहित सर पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं बेटा, आप भी बताना फिर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है तो आप भी बताना। आप सोच रहे होगे कि सर आपने ये क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि ये काम आएगा लाइंस में हमारे, ठीक है। तो पॉइंट्स हमारा हो गया है कंप्लीट, मतलब कंप्लीट का मतलब थ्योरी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद की चीज़ें तो हम कल को अपनी ड्राइंग में समझ लेंगे, जब मैं ड्राइंग शीट पर आपको लाइव बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं लाइंस के बारे में, किसके बारे में, लाइंस के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि लाइंस होती कितनी प्रकार की है, जल्दी से बच्चों कमेंट सेक्शन में बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोगों में से कितनों को लाइंस का डेफिनेशन आता है, है कोई ऐसा महान मूर्ति हमारा प्यारा सा बच्चा जिसको लाइंस का डेफिनेशन आता हो, या नहीं है कोई भी, बोलिए बच्चों। जिस किसी को भी लाइंस का डेफिनेशन आता है तुरंत भाग के दौड़ के अभी जाओ कमेंट सेक्शन में और दिखो कि सर जी देखो मेरे को आता है लाइंस का डेफिनेशन ये होता है, ठीक है, देखते हैं कितने लोग को आता है। लेकिन हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि क्लास को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचने का पर्पज रहता है। देखिएगा मैं अपनी क्लास में आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूँगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आपको, मैं एक सेकंड भी आपका नॉट अ सिंगल सेकंड वेस्ट होगा आपका यहाँ पर, इतना सा भी नहीं, ठीक है नहीं। तो लाइंस के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों आज की इस क्लास में प्रोजेक्शन को, वो हम लोग स्ट्रेट लाइंस को पढ़ने वाले हैं, किसको, स्ट्रेट लाइंस को। बेसिकली जो लाइंस रहती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं स्ट्रेट लाइंस और दूसरी होती हैं कर्व लाइंस। स्ट्रेट लाइंस को हम बोलते हैं हिंदी में सरल
रेखाएं या फिर सीधी रेखाएं, और कर्व रेखाओं को हम बोलते हैं वक्र रेखाएं या वक्र रेखाएं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं, मतलब जो किसी भी दिशा में जाएं लेकिन सीधी जाती हैं, वो अपना पाथ कभी भी डायरेक्शन नहीं बदलती हैं, उनको कहा जाता है स्ट्रेट लाइंस। अभी मैंने आप लोगों से लाइंस की डेफिनेशन देने के लिए बोला था, तो बेसिकली किसी बिंदु द्वारा चला गया पथ ही बिंदु पथ या फिर लाइन कहलाती है। जैसे पॉइंट कहीं चलेगा, अगर वो सीधी रेखा में चल रहा है बिना अपनी डायरेक्शन बदले तो वो सरल रेखा कहलाएगा, अगर वो कर्व में चल रहा है अपनी डायरेक्शन को चेंज करता हुआ चल रहा है तो वो कर्व में चलेगा, ठीक है। डेफिनेशन की मालूम होगी लाइन की, उम्मीद है कि आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने लिखा होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस, अब स्ट्रेट लाइंस की डेफिनेशन भी पता लग गई, जो अपनी हर एक डेफिनेशन लिखते हुए चलना भैया, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं अपनी इस क्लास में एक एक पॉइंट, एक छोटी से छोटी से छोटी से छोटी डिटेल आपको दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि पता लगे कि ये छोटी से छोटी से छोटी डिटेल के चक्कर में आप लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं है। क्लास को आराम से चलाओ, स्लो मोशन में चलाओ, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे, मेरे पास समय कम है, आपके पास भी समय कम है, इसलिए मैं कम क्लासेस में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सरल रेखाओं की परिभाषा हो गई, अब बात आती है सरल रेखाएँ होती कितने प्रकार की हैं। तो देखिएगा, सरल रेखाएँ बेसिकली हमारे पास तीन प्रकार की होती हैं। एक होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, दूसरी होती हैं बच्चों वर्टिकल लाइंस, और तीसरी होती हैं हमारे पास इंक्लाइंड लाइंस। कौन कौन सी होती हैं? एक होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक होती हैं वर्टिकल लाइंस, और एक होती हैं इंक्लाइंड लाइंस। अगर हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन होती हैं, इनको हिंदी में कहा जाता है क्षैतिज रेखाएं, इनको हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी आप लोग के लिए कोशिश कर रहा हूं बच्चों। इनको कहा जाता है हिंदी में तिर्यक रेखाएं या फिर तिरछी रेखाएं। इनको या तो तिर्यक कहा जाता है या फिर तिरछी कहा जाता है। देखिएगा, इस एक घंटे के आसपास की क्लास होगी, इसमें इतना कंटेंट आपको मिलेगा, आपके स्कूल में कॉलेज में 8 दिन में नहीं पढ़ाया गया होगा, जाओ गारंटी बता रहा हूँ मैं ये वाली बात, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं। वर्टिकल लाइंस कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं। और इंक्लाइंड लाइंस कैसी होती हैं? जो किसी एंगल पर चलती हैं। अगर हम बात करें तो और भी लाइंस होती हैं, जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जिन दो लाइंस के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है उनको पैरेलल लाइंस कहा जाता है। और पैरेलल लाइंस इन तीनों में हो सकती हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन भी हो सकती हैं, वर्टिकल पैरेलल लाइन भी हो सकती हैं, और इंक्लाइंड पैरेलल लाइन भी हो सकती हैं। लेकिन खैर, हमें सिर्फ एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन करना है जो इनमें से कुछ भी हो सकती है, या तो वो पैरेलल हो सकती है, या फिर वो परपेंडिकुलर हो सकती है, या फिर वो इंक्लाइंड हो सकती है। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? लाइक मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे करके है, अगर कोई दूसरी लाइन इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसको कहा जाता है आपका परपेंडिकुलर लाइंस, या फिर इनको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? लंबवत रेखाएं कहा जाता है, और पैरेलल लाइंस को समांतर रेखाएं कहा जाता है, करेक्ट। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, यह सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था, नॉलेज के लिए था। अब हम आते हैं अपने अगले कंटेंट पर, जो हम एक्चुअली प्रोजेक्शन सीखने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, बेसिकली हम लोग यहाँ पर तीन टाइप से प्रोजेक्शन सीखेंगे लाइंस का, और जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, इसीलिए कोशिश करूंगा कि इस आने वाले 30 से 40 मिनट के भीतर भीतर आपको सारी लाइंस के प्रोजेक्शन के बारे में स्टडी करा दें। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये हमारा प्लेन, फिर से प्लेन लाना पड़ेगा, आ जाए प्लेन, ये रहा। मान लीजिए कि ये हमारा प्लेन है, तो लाइन जो है वो इसके ऊपर ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, गॉट इट ना। देखो, अगर लाइन ऐसे है तो इसको हम HP के पैरेलल, ये HP और ये लाइन, तो ये दोनों आपस में तुम्हें पैरेलल लग रहे होंगे ना, बिल्कुल पैरेलल, तो इसको हम कहेंगे पैरेलल। और अगर ये प्लेन ऐसे है और ये लाइन ऐसे करके है तो इसको हम कहेंगे इसके परपेंडिकुलर। ये बात आप याद रख लीजिए कि HP के पैरेलल मतलब ऐसे करके, और ऐसे भी,
ऐसे भी HP के पैरेलल ही है, दोनों तरीके से हो सकती है, मतलब ऐसे भी और ऐसे भी, और ऐसे है परपेंडिकुलर HP के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं BP के रेस्पेक्ट में, तो BP के रेस्पेक्ट में ऐसे करके BP के पैरेलल है और ऐसे भी BP के पैरेलल है, और BP के परपेंडिकुलर कब है, ऐसे, ठीक है। ये तो होगी BP के पीछे की बात, ये होगी BP के सामने की बात, और वैसे ही HP की बात करें तो ये होगी HP के ऊपर की बात और ये हो गई HP के नीचे की बात, got it ना। तो अब मान लीजिए कि ये था, आप दोनों कैसे बनाएंगे, ये बड़ी दिक्कत आती है, दोनों व्यू दोनों एक साथ बनते नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो 2D होता है ना, अब हम तो आपको 2D से पढ़ा रहे हैं, अब 3D में कैसे डायग्राम बनाएं, ये बड़ी समस्या आती है। तो बच्चों जो मैंने आपको अभी समझाया है, उम्मीद है कि आपको वो चीज़ थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी। तो बस एज्यूम कर लीजिए, लाइक मान लीजिए कि जो लाइन है, सबसे पहली कंडीशन लेंगे हम, सबसे पहला स्टेट, लाइन HP व BP दोनों के पैरेलल है, याद रखिएगा सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन ले रहे हैं बच्चों लाइन HP व BP दोनों के पैरेलल है, क्या है, लाइन HP व BP दोनों के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में अगर आप नोटिस करें तो थोड़ी बहुत तो इमेजिनेशन करनी पड़ेगी बाबा, ये होता है HP, ये होता है BP। तो जब आप इसमें, मैं पहले बता दूं कहां से हमको देखना होता है, देखिए यहां से देखना होता है, यहां से इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू, यहां से देखने को बोलते हैं टॉप व्यू, और यहां से देखने को बोलते हैं साइड व्यू। तो इसका मतलब दोनों के पैरेलल तो एक ही कंडीशन है, मान लीजिए ये है हमारा BP, इसके पैरेलल ऐसे करके हो सकती है और ऐसे हो सकती है, ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं, और ये रहा HP। तो बस ये कंडीशन है, ये वो कंडीशन है बच्चों जो कि HP और BP दोनों के पैरेलल है, मतलब ये HP के पैरेलल भी हो गई और ये BP के पैरेलल भी हो गई, HP के पैरेलल हो गई और BP के पैरेलल हो गई, गॉट इट। तो यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि जब लाइन दोनों के पैरेलल होगी तो फ्रंट व्यू क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा उसका हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब क्षैतिज रेखा, और कितना लंबा, रियल लेंथ का, कितना लंबा बनेगा बच्चों, रियल लेंथ का। और वहीं मान लीजिए कि अगर ये इसका टॉप व्यू क्या बनेगा, देखो ऐसे करके थी लाइन, ऐसे करके, तो फ्रंट व्यू आप लोग को उतनी ही बड़ी लाइन दिख रही है, इतनी बड़ी वो है रियल में, टॉप व्यू लो देख लो, टॉप व्यू भी देखो, टॉप व्यू भी उतनी ही बड़ी लाइन दिख रही है जितनी वो रियल में है, और कैसे करके, हॉरिजॉन्टल ही तो दिख रही है, देखो टॉप व्यू ऐसी तो है, टॉप व्यू देखो हॉरिजॉन्टल ही दिख रही है, तो इसीलिए टॉप व्यू भी सेम बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा कि फ्रंट व्यू बनेगा, और वो भी रियल लेंथ का, बस बनेगा कहाँ ये देखना है, तो बनेगा कहाँ, इसीलिए मैंने इनको नहीं मिटाया था, बनेगा इन रूल्स के अकॉर्डिंग, बनेगा इन रूल्स के अकॉर्डिंग, जहां भी बनेगा, बनेगा इन रूल्स के अकॉर्डिंग भैया, और कुछ नहीं होने वाला है। आई बात समझ में, क्वेश्चन एक क्वेश्चन ले लेता हूं इसका ताकि आपको क्लियर हो जाए, और उस क्वेश्चन के बाद बच्चों आज के इस क्लास को हम खत्म कर लेंगे, क्योंकि क्लास हो गई है बहुत बड़ी, या फिर देखते हैं पूरा निपटा लें, बताओ आप कहो तो जैसा करो। चलो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उदाहरण के लिए देखिएगा, एक लाइन AB 50 mm लंबी HP के 10 mm ऊपर है तथा पैरेलल है, 10 नंबर का क्वेश्चन करा रहे हैं, व BP के 15 mm सामने है व पैरेलल है, प्रोजेक्शन कीजिए। ये लीजिए एक लाइन AB 50 mm लंबी HP के 10 mm ऊपर है और पैरेलल है, BP के 15 mm सामने है और पैरेलल है,
तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको ये देखना है कि जो लाइन है वो एच पी के और बी पी के ऊपर नीचे पैरेलल परपेंडिकुलर या इंक्लाइंड, ये चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास यही वाला केस है जो मैंने आपको समझाया अभी, यही वाला केस तो है कि लाइन जो है एच पी के भी पैरेलल है और लाइन जो है वो बी पी के भी पैरेलल है, मतलब लाइन जो है हमारी दोनों के पैरेलल है। तो बस इसका प्रोजेक्शन करने के लिए फिर से वही कहानी जो पॉइंट में किया था, इसकी एक रेफरेंस लाइन खींच देंगे ऐसे करके और लिख देंगे एच पी कोमा बी पी। वट इट, अब जल्दी से बना लेते हैं बिना समय गवाए। जब लाइन दोनों के पैरेलल होती है तो ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रंट व्यू क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, और कहाँ बनता है वो डिपेंड करेगा कि एच पी के ऊपर है या नीचे। तो एच पी के ऊपर है तो कहाँ बनेगा, एच पी के ऊपर होने पर फ्रंट व्यू बनेगा ऊपर। कितना ऊपर बनेगा, जितना ऊपर वो लाइन है, कितना ऊपर है 10 mm। और क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ से पता लगी फ्रंट व्यू बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो भैया 10 mm जाइए यहाँ से और हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए रियल लेंथ यानी कि 50 mm। रियल लेंथ का मतलब जितनी दूरी उसकी है। तो बस जल्दी से यहाँ से 50 mm करके बना दीजिए। और क्या बना रहे हैं, इसका फ्रंट व्यू, तो लिख दीजिए ए डैश बी डैश और लिख दीजिए बच्चों यहाँ पर फ्रंट व्यू, और इसकी डिस्टेंस भी मार्क कर दीजिए। डिस्टेंस कितनी हुई इसकी, डिस्टेंस हो गई हमारे पास 50 mm, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास 10 mm। इसी के साथ हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। देखिएगा जितना ये काले रंग का काम कर रहा हूँ वो सब आपको 6B की पेंसिल से करना है, और ये ब्लू वाला सारा का सारा 2H की पेंसिल से करना है। 18 प्रकार की पेंसिल होती है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको फिर भी बच्चों आप लोगों की सहूलियत के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही पेंसिल लेने के लिए बोला है, और वो कौन सी दो पेंसिल्स हैं वो आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, एक है 6B एक है 2H। करेक्ट, चलिए इसके बाद जल्दी से अब हम टॉप व्यू और ड्रॉ कर लेते हैं। तो टॉप व्यू ड्रॉ करना बहुत आसान है इसका। टॉप व्यू सबसे पहले तो कहाँ बनेगा ये देखना होता है, कहाँ बनेगा, तो लाइन बीपी के सामने है, बीपी के कहाँ है, सामने। तो ये रूल याद रहेंगे आपको, बीपी के सामने होने पर टॉप व्यू नीचे बनता है, किसके नीचे, इसके नीचे, कितना नीचे, इतना नीचे जितना क्वेश्चन में दिया जाता है, कितना दिया है 15 mm। तो भैया 15 mm नीचे बनेगा, तो बस आंखें बंद करके 15 mm नीचे आ जाइए। अब देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ से पता लगा जब लाइन दोनों के पैरेलल थी तो ये बना, क्योंकि दोनों के पैरेलल है, देखो एच पी के पैरेलल बी पी के पैरेलल, ये सबसे पहले देखना है कि दोनों के पैरेलल है तो क्या व्यू बनेंगे वो याद करना पड़ता है। तो ये सबसे पहला केस था इसलिए मैंने इसको 1 डाला है। तो दोनों के पैरेलल होने पर टॉप व्यू बनेगा हॉरिजॉन्टल लेंथ और हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो भी रियल लेंथ की। तो बस रियल लेंथ का मतलब 50 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब दोनों सेम बनेंगे। तो बस कुछ भी नहीं करना, आंखें बंद कीजिए और इसको सेम ही ड्रॉ कर दीजिए यहाँ तक, उसके बाद इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है बच्चों, ये लीजिए। और ये दूरी कितनी है, ये दूरी हो गई हमारे पास 15 mm क्योंकि दे रखी थी, इसको लिख दीजिए आपका, ये हो जाएगा टॉप व्यू, और उसके बाद इसका नाम लिख दीजिए ए और बी, और इसकी डिस्टेंस भी लिख दीजिए, डिस्टेंस मत लिखिए क्योंकि डिस्टेंस तो ऊपर लिख दी ना, दोनों की सेम डिस्टेंस है, तो इसकी डिस्टेंस मत लिखिए। ये क्वेश्चन आपका मैं आपके सामने 10 नंबर का करके रख दिया है, आपके एग्जाम में 60 में से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, समझ लो आया। तो ये उम्मीद है कि आपको बच्चों बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर मैं जो है सारे निपटा लेता हूँ, बाकी के बचे हुए परपेंडिकुलर वाले केस और निपटा लेता हूँ, ठीक है। इंक्लाइंड वाले कल कर लेंगे, मतलब इंक्लाइंड वालों के लिए अगली क्लास ले लेंगे, पहले ये परपेंडिकुलर वाले केस निपटा लेते हैं। इंक्लाइंड वाले भी जरूरी हैं लेकिन इंक्लाइंड वालों के लिए अगली क्लास ले लेंगे। चलिए जल्दी से फिर, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल 6 केस पढ़ने हैं हमको। तो ये हमने पहला केस पढ़ा है, ये जो नंबर 1 डाला है मैंने ये वाला, ऐसे ऐसे 6 केस पढ़ने हैं। एक बार जब दोनों के पैरेलल है, एक बार किसी एक के पैरेलल दूसरे के परपेंडिकुलर, फिर दूसरे के पैरेलल पहले के परपेंडिकुलर, हो गए 3 केस। फिर एक के पैरेलल दूसरे से इंक्लाइंड, दूसरे के पैरेलल पहले से इंक्लाइंड, 5 हो गए, और अगली बार 6ठे में दोनों से इंक्लाइंड। तो इसलिए 6 केस पढ़ने हैं ऐसे ऐसे। ये पहला केस था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 3 पढ़ेंगे आज की क्लास में और 3 पढ़ेंगे अगली क्लास में।
ठीक है बच्चों, चलिए उतार तो लिया होगा ना ये, एकदम स्क्रीनशॉट कर लिया करो और मेरे साथ मेरी क्लास में। बच्चों एक ही रूल है बस कि कॉपी लेके बैठो भैया पढ़ने बैठना है तो, क्योंकि देखो मेरे सवाल कराने में आपको बहुत आसान लगता होगा, एकदम से घुमा दिया है, जब खुद करने बैठोगे तो दिमाग घूम जाता है, इसीलिए आपको ध्यान से और धीरे धीरे चीज़ों को समझ के चलना है, रफ्तार नहीं लगानी है, ध्यान से और धीरे धीरे। और ये भैया इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक रात में पढ़ के पास नहीं हो सकते, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर कोई आपसे YouTube पर ऐसी वीडियो डाल देता है कि पास होइए एक ही रात में, तो वो आपका सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ईडी जैसे सब्जेक्ट में कोई एक रात में आपको पास करा दे ये तो नामुमकिन सी बात है। और मेरा पर्पज़ आपको पास कराने का नहीं है, मेरा पर्पज़ आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने का है। सिर्फ पास तो आप अपने आप से भी हो जाओगे, लेकिन ध्यान से अगर आपने मेरी सारी क्लासेस ली तो देखना आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे, एंड ट्रस्ट में सच में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं ताकि हम अपने बचे हुए दो केस भी पढ़ सकें। आपको वो छह केस लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है बाबू। ये मत सोचना कि आपको कुछ भी हलवा है कि प्लेट में रखा रखा है मिल जाएगा। एक तो मैं आप लोगों के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इजी से इजी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है नहीं, वरना तो आप बाकी अगर कोई क्लासेस देखोगे यूट्यूब पर या कहीं और या अपने कॉलेज से कंपेयर कर लो, बाबा हम नहीं कह रहे कुछ और कर लो, आप तो अपने कॉलेज से कंपेयर कर लो क्लासेस का, सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ाया जाता है जो किताब में लिखा होता है, और मैं आपको सिर्फ वो नहीं पढ़ा रहा, मतलब एग्जैक्टली उसी चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, बस आपको आसान बना करके दे रहा हूँ, मतलब आपके लिए चीज़ों को जितना हो सके आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए केस नंबर दो, सेकंड केस में इस बार लाइन जो है लाइन एचपी के तो पैरेलल रहेगी, एचपी के पैरेलल व बीपी के समांतर रहेगी, मतलब सॉरी समांतर पैरेलल तो एक ही बात होती है। मुझे तो लग रहा है ज़्यादा देर होगी ना पढ़ाते पढ़ाते, दिमाग की थोड़ी हिल गई, हमारे सर्किट्स हमारे फ्यूज होने लगे हैं वो लग रहा है मुझे। कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास में? नहीं है बच्चों, क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है, 50 मिनट्स की क्लास हो चुकी है। तो एच पी के पैरेलल और बी पी के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर, ठीक है। पैरेलल को हिंदी में लिख देता हूँ यार, समांतर होती है, और परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत। तो यहां पर एक के पैरेलल है दूसरे के परपेंडिकुलर है। जरा जल्दी से बच्चों इस सिचुएशन को इमेजिन कर लो, इतने में पानी पी के आते हैं, जल्दी से बचाओ। क्या सिचुएशन है कि लाइन एचपी के पैरेलल कब हो सकती है और बीपी के परपेंडिकुलर कब हो सकती है, क्या सिचुएशन बनेगी वो, जल्दी से सिचुएशन इमेजिन करो। कर ली इमेजिन? अच्छा चलो, किस किस ने इमेजिन कर ली जल्दी से बताओ बच्चों, एकदम से नाम लिख के अपना, और जिन लोगों ने इमेजिन नहीं किए उनको बता देता हूँ कि देखिएगा एचपी के पैरेलल मैंने दो स्टेट बताई थी, एक तो ऐसे, ये भी एचपी के पैरेलल है, और ये भी एचपी के पैरेलल, एचपी तो ये रहा, तो ये एचपी के पैरेलल अभी भी है और ये अभी भी एचपी के पैरेलल, दोनों ही सिचुएशन में रहे, तो ये एचपी के रेस्पेक्ट में तो एचपी के पैरेलल ही है ना, ऐसे भी और ऐसे भी, गॉट इट। लेकिन बीपी के परपेंडिकुलर का ध्यान रखना है, अगर आप ऐसे रखते हो तो ये बीपी के भी पैरेलल हो जाती है, बीपी के परपेंडिकुलर के लिए इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब ये एचपी के पैरेलल है और बीपी के परपेंडिकुलर है, तो फ्रंट व्यू वो है जो आपको दिखाई दे रहा है और टॉप व्यू ये है, ये ऐसे, मतलब ये टॉप व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। तो जल्दी से बताओ फ्रंट व्यू के रूप में क्या दिख रहा है आपको, फिर से सुन लीजिए, एचपी के पैरेलल और बीपी के परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल है कि नहीं है, ऐसे करके, तो ये एचपी के पैरेलल और बीपी के परपेंडिकुलर, फ्रंट व्यू ये है, क्या दिख रहा है आपको, फ्रंट व्यू के रूप में आपको दिख रहा होगा पॉइंट। तो बस लिख दीजिए जल्दी से, इस कंडीशन में फ्रंट व्यू बनेगा एक पॉइंट,
और टॉप व्यू के रूप में क्या दिखा, जल्दी जल्दी से देखो इसको, ये है तो टॉप व्यू के रूप में आपको दिख रहा है ये, यानी कि एक वर्टिकल लाइन रियल लेंथ की, जितनी लंबी ये लाइन होगी उतनी ही लंबी वर्टिकल लाइन बनेगी, वो बनेगा टॉप व्यू। समझ में आई बात नहीं? तो टॉप व्यू क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा वर्टिकल लाइन और कितनी रियल लेंथ की, मतलब जितनी उसकी लंबाई होगी क्वेश्चन में उतनी ही लेंथ की वर्टिकल लाइन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये दोनों याद करने हैं। अब जल्दी से एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ऐसा जिसमें HP के पैरेलल और BP के परपेंडिकुलर करना है, खुद से ही तो लिखना है, लिख दो जल्दी से एकदम उदाहरण के तौर पर। देखिएगा, एक लाइन PQ बराबर 45 mm, मेरी मर्जी कितनी भी ले लें, हमारा मन है, आप बताओ क्या करोगे, आप अपनी मर्जी से ले लेना, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, एकदम कॉपी पर करना शीट पर, एक लाइन PQ बराबर 45 mm, HP से 20 mm नीचे है और पैरेलल है, HP से 20 mm नीचे है और पैरेलल है तथा BP से 10 mm पीछे है और परपेंडिकुलर है। सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों, HP से पैरेलल और BP से परपेंडिकुलर। तो जल्दी से बिना समय गवाए ड्रॉ कर लेते हैं इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, तो बस बिना समय गवाए तुरंत से एकदम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोजेक्शन आपको पता ही है, इस रेफरेंस लाइन पर ड्रॉ किया जाता है भैया, तो ये रेफरेंस लाइन हो गई, लिख दिया HP, BP, गॉट इट। अब उसके बाद ये अब इसका फ्रंट व्यू क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा पॉइंट, कहाँ बनेगा वो हमने रूल्स आपको पढ़ाए थे, कहाँ है, HP के नीचे है, कितना नीचे, 20 mm, तो HP के नीचे होने पर फ्रंट व्यू बनता है नीचे, कितना नीचे, जितनी वो लेंथ होती है। तो जल्दी से इसका फ्रंट व्यू बना दीजिए, क्या बनने वाला है, पॉइंट, कितना नीचे, 20 mm, तो बस यहीं से आइए 20 mm नीचे और पॉइंट बना दीजिए। जल्दी से लिखिए, इसको डार्क सा पॉइंट बनाइएगा और लिख दीजिए इसको 20 mm, 20 mm लिख के डार्क पॉइंट बनाकर लिख दीजिए A' B' और ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू तैयार है भैया, AB लाइन का A' B' बोलते हैं फ्रंट व्यू को, तैयार हो गया है। अब बात आती है टॉप व्यू बनाने की, बारी आती है, तो जल्दी से इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए टॉप व्यू क्या बनेगा, वर्टिकल लाइन बनेगा, कितना बड़ा, जितनी उसकी लेंथ होगी। क्या होगा बच्चों, टॉप व्यू बनेगा वर्टिकल लाइन, कितना बड़ा, जितनी बड़ी उसकी लेंथ होगी रियल लेंथ का, गॉट इट। कहाँ बनेगा, उसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन है, BP के पीछे है और BP के पीछे होने पर टॉप व्यू कहाँ बनता है, BP के पीछे होने पर टॉप व्यू बनता है कहाँ 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 था, ऊपर था भाई, ऊपर था गुरु। तो BP के पीछे होने पर टॉप व्यू बनता है इस रेफरेंस लाइन के या HP BP के ऊपर की साइड में, कितना ऊपर बनेगा, 10 mm, क्या बनेगा, वर्टिकल लाइन। तो पहले तो यहाँ से 10 mm ऊपर जाइए, ये आ गए हम 10 mm ऊपर, और फिर यहाँ से रियल लेंथ यानी कि 45 mm की एक वर्टिकल लाइन बना दीजिए बिल्कुल सीधी, ये, और इसको लिख दीजिए आप भैया, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, और ये लिख दीजिए इसको मेरे प्यारे बच्चों टॉप व्यू। अब इसकी डिस्टेंसेस मार्क करने की बारी आई है, ये डिस्टेंस है 10 mm और ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, टॉप व्यू की लंबाई, टॉप व्यू बना है रियल लेंथ का, और रियल लेंथ कितनी है, वो है 45 mm। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
जो कि आपका साफ साफ HP के पैरेलल और BP के परपेंडिकुलर था। ठीक है, HP के पैरेलल और BP के परपेंडिकुलर था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों बिना समय गवाए जल्दी से आपके 2 मिनट और लेते हुए इसी का रिवर्स, मतलब के फिलहाल इसी का रिवर्स कहा जाएगा वो। इस बार हम क्या करेंगे कि इस बार BP के पैरेलल और HP के परपेंडिकुलर, क्या मतलब करना है, क्या करना है, थर्ड नंबर का केस के HP के परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, HP के परपेंडिकुलर बा BP के पैरेलल, ये थर्ड नंबर का केस ले लिया हमने HP के परपेंडिकुलर और BP के पैरेलल। तो बस मैं आपको इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन दे के जाऊंगा, आपको मुझे उसका सॉल्यूशन करके भेजना है व्हाट्सएप पर, मेरे इस नंबर पर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा इसका आंसर, इसके लिए क्या होना है कि HP के परपेंडिकुलर, तो HP के परपेंडिकुलर तो यही केस बनता है इकलौता, HP के परपेंडिकुलर है, बस ये देख लो BP के पैरेलल है कि नहीं। हाँ भैया ये रहा BP, BP के पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है। ठीक है, तो HP के बन गया परपेंडिकुलर और BP के हो गया पैरेलल, HP के परपेंडिकुलर, BP के पैरेलल। इस कंडीशन में आपको इसका फ्रंट व्यू क्या दिख रहा है, एक वर्टिकल लाइन। टॉप व्यू क्या दिख रहा है, टॉप व्यू दिख रहा है मुझे तो इसका एक पॉइंट। तो इस कंडीशन में उल्टा हो गया, टॉप व्यू बन गया पॉइंट और फ्रंट व्यू बन गया एक वर्टिकल लाइन। तो यहां पर फ्रंट व्यू बन गया वर्टिकल लाइन और टॉप व्यू बन गया एक पॉइंट। और वर्टिकल लाइन कितनी बड़ी, जितनी बड़ी क्वेश्चन में दी जाएगी उतनी ही बड़ी आपकी वर्टिकल लाइन बनेगी टॉप फ्रंट व्यू में, और टॉप व्यू में बनेगा एक पॉइंट जैसे ये बना है। ठीक है, तो बस जल्दी से एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए होमवर्क के तौर पर, उदाहरण समझ लीजिए इसको बच्चों, सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा इसका। एक लाइन XY बराबर 60 mm, एक लाइन XY बराबर 60 mm HP से 15 mm ऊपर व परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, तथा BP के 10 mm सामने तथा पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है, प्रोजेक्शन करो, प्रोजेक्शन करिए भैया, ये आपका होमवर्क है। दिस इज HW फॉर माय डियर 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 स्टूडेंट्स। ठीक है, देख लो मैंने एक क्लास में कितना सारा कंटेंट आप लोगों के लिए खींच के दिया है बेटा, कि मैंने पॉइंट से शुरू किया, लाइंस के हमने 3 प्रकार पढ़ लिए। ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो मैंने आपको आज के इस 1 घंटे के लेक्चर में दी है ना, आपके क्लास में आपके कॉलेज में 15 दिन में ख़त्म कराएंगे। टीचर्स ना कराएं तो मेरे से कह देना। और ऐसा नहीं कि मैंने आपको फास्ट पढ़ाया हो, मैंने बस समय के अनुसार चलते हुए आपको हर चीज़ को छांट छांट के ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेते हुए आपके लिए कलेक्ट कर करके पहले बैठा, सोचा क्या बताना है, पूरा प्रिपेयर किया, फिर आपको बताया, जिससे कि आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सभी बच्चे जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं मुझे भेजेंगे, ये मेरा नंबर है आपको पता है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी आपको कोई भी समस्या आती है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, या कोई क्वेश्चन करते समय कोई डाउट आता है, क्लास को लेते समय भी कोई डाउट आया है, तो आप देखिए दो बातें हैं, या तो आप पहले क्लास को दोबारा देख लीजिए, या फिर भी अगर आपके डाउट दूर नहीं होते हैं तो आपको घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपका साथ नहीं छोड़ रहा हूँ बेटा, मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा आखिर तक। ठीक है, मैं आपको ED का तो इतना बढ़िया कंटेंट देंगे ना निकाल करके कि आप सोचेंगे कि क्या सर बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, ऐसे करेंगे, नहीं किया तो मेरे से कह देना। बदले में बस आपको थोड़े से एफर्ट लगाने हैं, जो काम आपको दिया जाता है वो काम करिए, दिखाइए, और साथ ही साथ जो आपको पढ़ाया जा रहा है चुप नहीं बैठना है, समझ नहीं आया तो पूछ लो, लेकिन चुप मत बैठो। मान लो कि
ये मत सोचो कि नया छोड़ो बाद में, बेटा बाद में नहीं समझ में आएगा, बाद में क्या एग्ज़ाम के बाद। इसीलिए तो आपके लिए क्लास लाए ताकि अगले सेमेस्टर में अभी ना पढ़ना पड़े सब्जेक्ट, ये बैक ना लग जाए, इसलिए तो क्लास लेकर गए अच्छी अच्छी। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, नॉलेजफुल लगती हैं, तो अपने सभी साथियों को शेयर करो। जो हर किसी ब्रांच के बच्चे के पास इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, टेक्निकल ड्राइंग होता है, सबको शेयर कीजिए। यदि आपको पसंद आई है क्लास, तो नहीं आई तो बिल्कुल आप भी मत लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे बता करके जरूर जाना कि क्या कमी थी, है ना, ताकि हम उसको अपनी अगली क्लासेस में इम्प्रूव कर सकें। और क्लास को लाइक करिएगा, क्लास अच्छी लगी है तो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे। डेली क्लासेस हो रही है। अब मैं आपको अभी तो बोर्ड पर समझाना है मुझे, जो कि तीन प्रकार और रह गए क्लाइंट वाले, उनको बोर्ड पर समझा करके फिर हम अपने सीट्स पर काम करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि इसकी शायद सीट्स की दो क्लासेस हो सकती हैं मे बी, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सब कुछ करें जो करना है, बस एक काम मेरे कहने से, हार्ड वर्क इन स्टडीज, मतलब पढ़ाई में थोड़ी सी मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।